नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एमएस वर्ड 2019 में लेआउट टैब के अंतर्गत पेज सेटअप ब्लॉग में मार्जिन का उपयोग कैसे करते हैं। सभी एप्लीकेशन के अंदर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मार्जिन का यूज किया जाता है। अब सवाल उठता है कि मार्जिन होता क्या है। मार्जिन दस्तावेज की सामग्री और पेज के किनारों के बीच की खाली जगह होती है। पेज के प्रत्येक तरफ टेक्स्ट का डिफॉल्ट मार्जिन लगभग 1 इंच रहता है, लेकिन आप अपने दस्तावेज की आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए मार्जिन को बदल भी सकते हैं। आइए अब हम प्रैक्टिकल तरीके से मार्जिन का उपयोग सीखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें, और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि एमएस ऑफिस, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, टेलीप्राइम इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मार्जिन को समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक ब्लैंक पेज लिया हुआ है। अब ये कर्सर आप देखेंगे ऊपर से और लेफ्ट साइड से देखेंगे काफ़ी गैप में ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर एक्सेल इन्फोटेक। आप देखेंगे टेक्स्ट हमारा इस किनारे से यानी कि इस एज से काफ़ी गैप में है। उसी तरीके से अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी इसमें काफ़ी गैप है। तो ये गैप कैसे सेट किया गया है, आप यहाँ पर जाएंगे मार्जिन ऑप्शन पर और यहाँ पर कस्टम मार्जिन को सिलेक्ट करेंगे। कस्टम मार्जिन को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे हमने जो यहाँ पर गैप दिया हुआ है वो 1.15 सेंटीमीटर का गैप दिया हुआ है चारों तरफ का, यानी टॉप का भी, बॉटम का भी, लेफ्ट का भी और राइट का भी। इसको अगर आप यहां से इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज करके जैसे आप यहां पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मार्जिन हमारा यहां से टॉप से नीचे की तरफ खिसक गया। तो इस तरीके से आप मार्जिन का यहां पर यूज़ कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शन को समझने के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ले लिया है। अब यहाँ से हम चले जाते हैं पेज लेआउट में मार्जिन वाले ऑप्शन पर। आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट कस्टम सेटिंग की अगर हम बात करें तो लास्ट जो हमारी कस्टम सेटिंग थी वो ये थी, यानी जो भी हमने मार्जिन का सेटअप किया था वो लास्ट सेटअप हमारा यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये था। इसके अलावा अगर आप यहाँ से नॉर्मल मार्जिन का यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर आप नॉर्मल मार्जिन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका ये मार्जिन नॉर्मली एडजस्ट हो गया। हम वापस से यहाँ से अगर हम नैरो मार्जिन का यूज़ करके दिखाते हैं आपको, नैरो मार्जिन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो गैप था वो काफ़ी कम हो गया, यानी मार्जिन का जो गैप था वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे मार्जिन दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम वाइट की बात करें, वाइट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे लेफ्ट का मार्जिन और हमारे राइट का मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होगा, टॉप का और बॉटम का हमारा मार्जिन कम होगा। तो इस तरीके से आप इन सभी मार्जिन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल मार्जिन पर क्लिक करने के बाद आप मार्जिन पर वापस से क्लिक करिए, नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कस्टम मार्जिन का, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मार्जिन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट जो भी मार्जिन आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहें वो यहाँ पर ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर मार्जिन जो रखना चाहता हूँ वो 3.5 रखना चाहता हूँ टॉप से, और बॉटम से भी मैं इसे 3.5 रखना चाहता हूँ, लेफ्ट से मैं चाहता हूँ ये 2.5 हो और राइट से बेसिकली ये भी 2.5 हो। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा मार्जिन उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा जिस हिसाब से हमने यहाँ पर सेटिंग की है। तो इसके अलावा नीचे की तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा ओरिएंटेशन का, यहाँ से आप अपने पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, यानी आप इसे पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप में रख सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके जैसे यहाँ पर आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको डायरेक्टली आप चाहें तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन पर जाने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर गेटर का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब इसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है तो इसके लिए जैसे हम यहाँ पर इसके साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बाइंडिंग का ऑप्शन हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप अपनी बुक क्रिएट करना चाहते हैं और उसमें बाइंडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके लिए भी अलग से आपको साइज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। कितना साइज़ आप गेटर के लिए रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद
गेटर पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे आप इसकी पोजीशन दो तरीके से रख सकते हैं, पहला लेफ्ट और दूसरा टॉप। तो बेसिकली हम इसको लेफ्ट साइड से रखेंगे। तो इसके बाद आप यहाँ से लैंडस्केप या पोर्ट्रेट जो भी रखना चाहें इसका ओरिएंटेशन आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल पेजेस का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। मल्टीपल पेज पर जैसे आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर मिरर मार्जिन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रीव्यू आपको यहाँ नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा। अब मिरर मार्जिन में बेसिकली होता क्या है तो आप देखेंगे मिरर मार्जिन में जो हमारा लेफ्ट साइड का पेज था उसका जो गेटर है वो राइट साइड में आ रहा है और राइट साइड का जो पेज है उसका जो गेटर है वो लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जा रहा है। यानी जब आप अपने बुक की बाइंडिंग करेंगे तो इस तरीके का अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो टू पेजेस पर शीट को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपके पास दो पेजेस हैं और वन शीट पे आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें बुक फोल्डर की तो जैसे आप बुक फोल्डर का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर अगर आप कोई बुक क्रिएट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका जो यहाँ पर गेटर का स्टाइल है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी ऑप्शन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने नीचे की तरफ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा सेट एज डिफॉल्ट का। अब इसका कैसे आप यूज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपने जो भी मार्जिन सेट किया है, जो भी गेटर का साइज सेट किया है या जो भी लैंडस्केप या पोर्ट्रेट का आपने जो भी स्टाइल सेट किया है, मान लीजिए हम फिलहाल इसको नॉर्मल रख लेते हैं और अब मैं चाहता हूँ कि जो भी हमने यहाँ पर सेटिंग की है वो डिफॉल्ट हो जाए, यानी ये ऑटोमेटिक बार बार चेंज ना हो, आप इसे चाहते हैं ये सेटिंग आपकी डिफॉल्ट रहे तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अब आप देखेंगे जो भी मार्जिन हमने यहाँ पर सेट किया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कोई न्यू पेज इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर न्यू पेज ले लेते हैं, फाइल पर जा करके यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे हमारा जो ब्लैंक पेज यहाँ पर इंसर्ट होगा इसके ऊपर भी सेम वही मार्जिन सेटिंग्स होगी जो कि हमने रिसेंटली अभी सेट किया था। हम लेआउट पर जाएंगे, वापस से मार्जिन पर जाएंगे, कस्टम मार्जिन को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे सेम वही मार्जिन आपको दिखाई देगा इस ब्लैंक पेज के ऊपर भी, यानी कि वो मार्जिन आपका एमएस वर्ड के लिए सेट हो जाएगा और जब भी आप कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो उसमें बार बार आपको मार्जिन सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई टू वॉल डॉक्यूमेंट और दिस पॉइंट फॉरवर्ड। इसका किस तरीके से यूज करते हैं तो उसके लिए फिलहाल मैं यहाँ से इसकी सेटिंग्स को वापस से नॉर्मल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर 1.5 टॉप से और 1.5 यहाँ से बॉटम से, लेफ्ट से भी मैं इसे 1.5 ही रखता हूँ और राइट से भी मैं इसको 1.5 ही रखता हूँ। गेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप गेटर जितना भी रखना चाहें वो यहाँ पर रख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 गेटर का साइज यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है और इसके बाद यहाँ पर हम इसे ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं और इसके बाद हम चाहते हैं जो हमारा पहला पेज है इसका मार्जिन जैसा भी है इसको बिल्कुल इसी तरीके से रखना है और दो नंबर के पेजेस से हम मार्जिन को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, वापस से मार्जिन पर जाएंगे। मार्जिन पर जाने के बाद यहाँ से आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इसका मार्जिन रखते हैं 2.5 और यहाँ से भी हम बॉटम का साइज रख देते हैं 2.5, लेफ्ट का साइज भी हम यहाँ पर 2.5 रखते हैं और राइट का भी हम यहाँ पर 2.5 रखते हैं। गेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम 3 रखते हैं और इसके बाद नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वोल्ड डॉक्यूमेंट। वोल्ड डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जितना भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है चाहे वो हमारा पहला पेज हो चाहे हमारा दूसरा पेज हो, यानी इसके बाद का जितना भी पेज हो सब पर ये अप्लाई हो जाए। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर दिस पॉइंट फॉरवर्ड का, इसको अगर आप सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो मार्जिन था वो केवल सेकंड पेज से बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सब पर अप्लाई होगा बट इसका जो फर्स्ट पेज है उस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम कंट्रोल जेड करके इसे वापस से जैसा था वैसा ही बना देते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पर पेपर का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पेपर ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको पेपर साइजेस दिखाई देंगे, इसमें से आप कोई भी साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका लीगल पेपर हो चाहे वो आपका लेटर पेपर हो, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे साइज दिखाई देंगे। जिस भी साइज को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उसका विथ और हाइट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर विथ या हाइट को चेंज भी करना चाहें तो आप इजीली उसे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कस्टम साइज अपने आप आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा और यहाँ पर जो भी आप साइज यहाँ देना चाहें अपने पेज का वो यहाँ पर इजीली उसको दे सकते हैं। नीचे की तरफ आपको उसका प्रीव्यू दिखाई देगा। सेम प्रोसेस अप्लाई टू वॉल, इसका भी सेम वही यूज है जो रिसेंटली मैंने आपको बताया।
प्रिंट ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये प्रिंट की सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाकर दे दूंगा, वहाँ पे आप इन सभी सेटिंग्स को समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम इस ऑप्शन को यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं, हम इसे फिलहाल यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेआउट का। लेआउट ऑप्शन में आप देखेंगे हमारे सामने सेक्शंस हैं और यहाँ पर हेडर एंड फुटर हैं, और नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर पेजेस ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इनका किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो इसका यूज़ करने के लिए और यहाँ पर हम इवन पेज को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर इवन नंबर का पेज सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर पेजेस नंबर रिप्रेजेंट करा रखे हैं। आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर पेज नंबर 2 है, यहाँ पर पेज नंबर 3 है, यहाँ पर पेज नंबर 4 है, बट पहले पेज पर हमारा कोई भी पेज नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम जाएंगे वापस से इसी सेटिंग्स पर, यहाँ पर हम जाएंगे ऑड नंबर पर और यहाँ पर डिफरेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ से फिलहाल हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर 1 भी आ गया, पेज नंबर 2 भी आ गया, पेज नंबर 3 भी आ गया और पेज नंबर 4 आ गया। अब इसको मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ प्रॉपर तरीके से कि इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो फिर से हम उसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर पेज सेटअप का एक छोटा सा कॉर्नर में ऑप्शन है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी वही सेटिंग्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे सेक्शन दिखाई देंगे जिसमें आपका कंटिन्यूअस है, न्यू कॉलम है, न्यू पेजेस है, इवन और ऑड पेजेस है। तो बेसिकली ये जो ऑप्शंस हैं ये सभी ऑप्शंस आपके सेक्शंस हैं। पेज ब्रेक के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं पेज ब्रेक पर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे पहला जो सेक्शन है वो हमारा पेज ब्रेक का है और दूसरा जो सेक्शन है हमारा वो सेक्शन ब्रेक का है। तो सेक्शन ब्रेक के अंदर आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे जो ऑप्शन वहाँ पर आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इसके लिए हम वापस से इसी सेटिंग्स पर फिर से चले जाते हैं। यहाँ से हमने इवन पेज को यहाँ पर सिलेक्ट किया। इवन पेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिफरेंट ऑड एंड इवन नंबर, इसको आप सिलेक्ट करके नीचे की तरफ जैसे यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पहले पेज का जो पेज नंबर था वो यहाँ से गायब हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर पहले पेज के बाद डायरेक्टली थर्ड नंबर का पेज रिप्रेजेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो सेटिंग इसकी रखी थी वो इवन पेज की रखी थी। इवन पेज का मतलब हमारा जो पेज स्टार्ट होगा वो इवन नंबर से स्टार्ट होगा। इवन नंबर यानी कि पहले पेज को हमने छोड़ दिया है, यहाँ पर ये जो पेज का नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा है ये बेसिकली हमारा पेज नंबर 2 हो गया। 2 के बाद जो हमारा राइट साइड में यहाँ पर पेज नंबर दिखाई दे रहा है वो हमारा पेज नंबर 3 हो गया। और इसके नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर के बाद 4 नंबर का पेज आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर डायरेक्टली आपको दिखाई देगा 5 नंबर का पेज। और नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर 6 नंबर की बजाय सीधे 7 नंबर का पेज आपको दिखाई देगा। यानी यहाँ पर जो भी पेजेस शो करेगा वो आपका इवन नंबर को छोड़ करके ऑड नंबर के पेजेस यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से हम इस पर वापस से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब हम ले लेते हैं यहाँ पर ऑड नंबर पेजेस, और ऑड पेजेस को लेने के बाद यहाँ पर जैसे हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अब ऑड पेजेस में हमारा पेज नंबर 1 रिप्रेजेंट हो रहा है। और इसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो 2 नंबर का पेज हमारा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, सीधे 3 नंबर का पेज आ रहा है। 4 नंबर का पेज यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, नीचे की तरफ जाएंगे तो सीधे 5 नंबर का पेज हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इवन नंबर और पेज नंबर को प्रिंट कर सकते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में इस सेटिंग की मदद से। अब इसके बाद नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा डिफरेंट फर्स्ट पेज। अभी फिलहाल हम स्टिक मार्क को यहाँ से हटा लेते हैं और इस वाले टिक को यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अब ओके बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब हुआ कि आपका जो फर्स्ट पेज होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, सेकंड जो पेज होगा वो पेज नंबर 2 आपको दिखाई देगा, नीचे की तरफ आपके जितने भी पेजेस होंगे सब पर आपका पेज नंबर आएगा। नीचे की तरफ और दिखा देता हूँ आपको कि सभी पेजेस आपको रिप्रेजेंट होंगे बट जो फर्स्ट पेज होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा आपके पेज नंबर से। ये पेज नंबर मैं आपको बता दूं, बेसिकली मैंने यहाँ पर हेडर और फुटर का यूज़ करके पेज नंबर को थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके। इसके बाद वापस से हम लेआउट ऑप्शन पर जाते हैं और इसी ऑप्शन पर हम फिर से क्लिक करते हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा पेजेस का वर्टिकल अलाइनमेंट। अब ये वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो उसके लिए फिलहाल मैं यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया। मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स को इंसर्ट कर लेता हूँ। 3 पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर चले जाता हूँ वापस से लेआउट टैब पर, उसी ऑप्शन पर वापस से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट को अभी फिलहाल हमने टॉप रखा हुआ है, अब मैं आपको सेंटर रख के दिखाता हूँ। सेंटर रख करके जैसे मैं यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हमारा जो पेज का अलाइनमेंट होगा वो बिल्कुल सेंटर में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो लिख नहीं पाएंगे और नीचे की तरफ भी अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहें तो लिख नहीं सकते। ऊपर का और नीचे का जो मार्जिन था वो बिल्कुल इक्वली एडजस्ट हो जाएगा।
इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर हम बात करें जस्टिफाई की, तो जस्टिफाई को सिलेक्ट करके जैसे यहाँ पर ओके बटन पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा पेज यहाँ पर मार्जिन के हिसाब से कवरअप हो जाएगा। आप बीच में जो भी लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं, बट इसके नीचे की तरफ जहाँ तक इसका मार्जिन है वहाँ तक आप इसे लिख सकते हैं और ये जस्टिफाई में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि जस्टिफाई का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंट को दोनों तरफ से परफेक्ट अलाइनमेंट देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने पूरे मैटर को यहाँ पर सिलेक्ट किया और होम टैब में आप देखेंगे यहाँ पर जस्टिफाई का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड से हमारा जो डाटा है और राइट साइड से जो भी हमारा डाटा है वो इक्वली पोजिशन में हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। सेम इसी तरीके से आप वर्टिकली आप इस अलाइनमेंट का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा बॉटम ऑप्शन है। बॉटम को सिलेक्ट करके जैसे यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे से हमारा डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। ऊपर की तरफ आप देखेंगे पूरा का पूरा पेज हमारा ब्लैंक होगा। जितना भी डेटा होगा हमारा वो नीचे से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर आप टॉप ऑप्शन का यूज़ करना चाहें तो सेम यहाँ पर टॉप को सिलेक्ट करके यहाँ पर जैसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका टॉप से आपका वर्टिकली अलाइनमेंट यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा और उसके बाद आप इजीली यहाँ नीचे की तरफ कुछ भी टाइप करना चाहें तो टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, वर्टिकली अलाइनमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर लाइन नंबर्स की, तो आप यहाँ पर लाइन नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो लाइन नंबर के लिए हम फिर से उसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट पर जाने के बाद हम फिर से उसी ऑप्शन को ओपन करते हैं। आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको एक लाइन नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा। इस लाइन नंबर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड लाइन नंबरिंग का। इस पर आपको टिक करना है। इस पर जैसे आप टिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपको स्टार्टअप कहाँ से करना है, तो आपको स्टार्टअप में 1 रखना है। फ्रॉम टेक्स्ट में आपको ऑटो सेटिंग रखनी है और काउंट बाय में भी आपको 1 रखना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने रीस्टार्ट ईच पेज का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसको सिलेक्ट करके जैसे यहाँ पर ओके बटन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो पेज नंबर है यहाँ पर आप देखेंगे आपका पेज नंबर 1 से लेकर नीचे 23 तक आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जैसे यहाँ पर दूसरे पेज पर आप जंप करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका 1 से लेकर यहाँ पर 23 तक आपको आपका लाइन नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अलावा अगर आप इस पर वापस से क्लिक करते हैं और उसी सेटिंग पर वापस से क्लिक करके तो यहाँ पर आप रीस्टार्ट ईच सिलेक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके बटन को सिलेक्ट कर यहाँ पर ओके कर देते हैं तो आप देखेंगे आपका जो लाइन नंबर है वो यहाँ से 1 से लेकर 23 तक आ रहा है और 23 के बाद यहाँ से 24 से फिर से स्टार्ट हो गया। तो लास्ट तक आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है और जितने भी नंबर्स हैं उतने नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप लाइन नंबरिंग का इजीली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर को आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, बॉर्डर को क्लिक करने के बाद आपके सामने बॉर्डर का एक फीचर ओपन हो जाएगा और आप अपने पेजेस के चारों तरफ जिस तरीके का यहाँ पर बॉर्डर यूज़ करना चाहें वो यहाँ पर बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे बॉर्डर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस बॉर्डर को सिलेक्ट करके जैसे यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट के चारों तरफ यहाँ पर बॉर्डर आपको दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा बॉर्डर के काफ़ी सारे फॉर्मेट्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे। बॉर्डर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आप देखेंगे आर्ट, आर्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आर्ट के काफ़ी सारे यहाँ पर बॉर्डर दिखाई देंगे। इसमें से भी आप कोई बॉर्डर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से इस वाले बॉर्डर को सिलेक्ट किया, इस बॉर्डर को सिलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो बॉर्डर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। बाकी बॉर्डर के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो इसे देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से इसे देख सकते हैं। ये बेसिकली हमारा लेआउट का मार्जिन ऑप्शन था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।